आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कुश जो होता ना कुश, कुश की खासियत बताने जा रहे हैं आपको, क्योंकि कुश आपको समृद्धि भी देता है और इसका धार्मिक महत्व भी है। चारे के रूप में कम प्रयुक्त होने वाली दीर्घजीवी घास जो अमर बेल की तरह होती है, ये घास अगर जरा से भी भूमि के अंदर रह जाए तो पौधे का रूप धारण कर लेती है। पशुओं में कम लोकप्रिय कुश अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष महत्व रखती है। यह देव पितर प्रेत और पूजा में समान महत्व रखती है। इसको अनामिका में धारण करने के उपरांत ही सभी मांगलिक और अमांगलिक कार्यों में विधान पूर्वक सारी चीजें पूरी होती है, सारे विधान पूरे होते हैं। कुश एक प्रकार का तृण है। कुश की पत्तियां नुकीली, तीखी और कड़ी होती है। धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र समझी जाती है और इसकी चटाई पर राजा लोग भी सोते थे। वैदिक साहित्य में इसका अनेक स्थलों पर उल्लेख है। अथर्ववेद में इसे क्रोध नाशक और अशुभ निवारक बताया गया है। आज भी नित्य नैमित्तिक धार्मिक कृत्यों और श्राद्ध आदि कर्मों में कुश का उपयोग होता है। कुश से तेल निकाला जाता था, ऐसा कौटिल्य के उल्लेख से ज्ञात होता है। भाव प्रकाश के मतानुसार कुश त्रिदोष नाशक है। एक बार की बात है, जब भगवान श्री हरि ने वाराह अवतार धारण किया, वाराह अवतार, तब हिरण्याक्ष का वध करने के बाद जब पृथ्वी को जल से बाहर निकाले और अपने निर्धारित स्थान पर स्थापित किया, उसके बाद वाराह भगवान ने भी पशु प्रवृत्ति के अनुसार अपने शरीर पर लगे जो जल है उसको झाड़ा। तब भगवान वाराह के शरीर के रोम जो बाल होते हैं पृथ्वी पर गिरे और वो कुश के रूप में बदल गए। चूंकि कुश घास की उत्पत्ति स्वयं भगवान वाराह के श्रीअंगों से हुई है, अतः कुश को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसलिए किसी भी पूजन पाठ हवन यज्ञ आदि कर्मों में कुश का प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी की पंचक में मृत्यु हो जाए, पंचक जो लगता है, पंचक में मृत्यु हो जाए तो घर में 5 सदस्य मरते हैं, तो इसके निवारणार्थ 5 कुश के पुतले बनाकर मृतक के साथ चला दीजिए। कुश ग्रंथि माला भी बनती है। कुश की जड़ों से निर्मित दानों से बनी माला पापों का शमन, कलंक हटाने, प्रदूषण मुक्त करने और व्याधि का नाश करने हेतु प्रयुक्त होती है। उसका आसन बनाया जाता है। कुश घास में बने आसन पर बैठकर पूजा करना ज्ञानवर्धक और देवानुकूल और सर्वसिद्धिदाता बनता है। इस आसन पर बैठकर ध्यान साधना करने से तन मन से पवित्र होकर बाधाओं से सुरक्षित रहता है, धनवर्धक है। कुश को लाल कपड़े में लपेटकर घर में रखने से समृद्धि बनती है। ग्रहण काल में कुश का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रहण काल से पूर्व सूतक में इसे अन्न जल आदि में डालने से ग्रहण का दुष्प्रभाव है, उससे आप बच जाते हैं। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।